हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में 9th आयुर्वेदा डे जो है सेलिब्रेट किया, और इसको पूरे इंटायर यूटी में सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके साथ साथ पूरे इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पे प्रिल्यूड टू जो 9th आयुर्वेदा डे, हमने बहुत सारे यहाँ पे ऐसे कंपटीशन रखे, मॉडल कंपटीशन रखा अलग अलग स्कूलों में, और उसके साथ साथ सिम्पोजियम्स भी हुए और कैंप्स लगाए गए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस बढ़े। और इसी सिलसिले में आज जो है ये एक, क्योंकि नेशनल इवेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इसको पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं इस आयुर्वेदा डे पे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली से 12:30 बजे वहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट रामबन में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे भी ये बड़े धूमधाम से मनाया गया, ताकि ये जन जन तक ये इनोवेटिव ग्लोबल आयुर्वेदा जो है, ये मैसेज जो है सारे लोगों तक पहुँचे, ये हमने आज यहाँ पे मनाया था। इसका जो थीम था आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, कि पूरे ना कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस आयुर्वेदा को जो है लेके जाया जाए, क्योंकि ये एंशंट सिस्टम ऑफ मेडिसन है, जिसकी वजह से निरोगी और स्वस्थ रहें, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन ही है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ्य रक्षा मात्रा स्वीकार पुष्पनम चा, जिसका अर्थ है स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ की रक्षा करना। तो हमारा प्राइम मोटिव जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ की रक्षा करना है, चाहे योग के माध्यम से स्वस्थ की रक्षा किया जाए, मानसिक रोग हैं उनको दूर किया जाए, और जो हेल्थ है उसको फिजिकली मेंटली और सोशली और स्पिरिचुअली कैसे स्ट्रांग किया जाए, यही आयुर्वेदा का मिशन है, जो पूरे ग्लोबलाइजेशन को लेके एक इनोवेशन के तौर पर इसको लिया जा रहा है, और ये हमारा मिशन जो है पूरे भारतवर्ष तक, ये भारत से पूरे विश्व तक चले जाए। देखिए, जो जो ड्रग्स, ज़्यादातर जो भी लोग ड्रग्स में मुलविस होते हैं, बेसिकली वो जहनी शिकार होते हैं, उनको उनको जो है डिप्रेशन का वो कारण है, और उनकी जो स्ट्रेस लेवल है, जब वो अपने आपे से बाहर होते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ड्रग्स की तरफ नहीं लेना चाहता है, लेकिन जब वहाँ पे वो किसी न किसी से स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, सबसे पहले हमें जो है स्ट्रेस से बाहर निकालना होगा। इस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए आयुर्वेदा के पास जो जो अल्टरनेटिव है वो विश्व में किसी के पास नहीं है, वो है योग। जब हम योग अपनाएंगे, योग को लोगों को समझाएंगे, अभी तक तो लोगों को योग की परिभाषा तक पता नहीं है, खाली कुछ आसनों का नाम योग नहीं है योग, बल्कि योग एक मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, जब ड्रग्स आते ही तभी है इंसान उसको उसमें तभी चला जाता है जब उसका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ जाता है, तो उसको जो है वो एक आदत लग जाती है, उस लत को छोड़ने के लिए योग के माध्यम से हम, और काउंसलिंग के माध्यम से हम, और आयुष उपचार के जरिए से हम उसको जो है उस लत से निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। आयुर्वेदा ऑलराउंड हेल्थ के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेदा ना कि खाली मेडिसिन पर निर्भर आधारित नहीं है, आयुर्वेदा जो है ये डे टू डे लाइफ के बारे में भी आपको बताता है। जो कि आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, उसमें अगर आपने देखा होगा, हमने IC मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया, उस IC मटेरियल में एक फॉर्म दिया गया जिसमें प्रकृति परीक्षण होता है, उस प्रकृति परीक्षण में आपको खुद अपना सेल्फ डॉक्टर कैसे बनना है, आपको अपने बारे में जब पता होगा हमारा मिजाज क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, तो आपका आहार वैसा होगा, आपका विहार वैसा होगा, उसके आधार पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं आप, और अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। आयुर्वेद आपको आपके किचन की फार्मेसी के बारे में बताता है, कि आपके किचन में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी एक फार्मेसी है, जैसे आप फौरन दौड़ते हो हॉस्पिटल में, वहाँ से दवाई लेके आते हो, लेकिन अब बहुत सारे उपचार आपके आपके घर में होता है, जैसे लहसुन है, जैसे लौंग है। अगर आप देखेंगे किसी को बहुत दांत की दर्द होती है, अगर वो आप वो लौंग का तेल या लौंग इस्तेमाल करेंगे दांत पे लगेंगे, तो वो पेन दूर हो जाती है। तो इसका मतलब बहुत सारे इन चीज़ों से लोगों को जब हम अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे कि लहसुन का, आपने जिंजर है आपने सुना होगा, तो इतना बहुत सारे जो हमारे जो घरों में अवेलेबल होती हैं, आगे जब हम उनको लोगों को उसका उसके बारे में अवेयर कराएंगे, लोग यहाँ पे एनीमिया